तुमने आना नहीं? कैसे होती? हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, सलामत होंगे। और गाइस, असद कहाँ सोया था पता है आपको? दादी के घर सोया था, क्योंकि हमारे यहाँ पर लाइट जा चुकी थी और मतलब कि बहुत मच्छर काट रहे थे, तो बच्चों को मैं कहाँ छोड़ाया था, फैमिली को मेरे मम्मी पापा के वहाँ पर छोड़ाया था। तो अभी असद सुबह सुबह आया है, मेरे को उठाने के लिए आया है कि पापा जल्दी से उठिए और लाइट ठीक कीजिए। तो दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि रात के 3 बजे क्या हुआ कि लाइट उसकी मर्जी से वापस आ गई थी। पता नहीं कुछ फाल्ट वाल्ट होगा, इधर हवा ववा में वापस वायर चिपक गए होंगे, तो लाइट हमारे यहाँ की वापस आ गई थी। लेकिन उसको सुधारना तो पड़ेगा, ठीक तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। अभी लाइट वैसे चल रही है लेकिन उसको ठीक तो करना पड़ेगा। आए दिन कहीं ना कहीं फाल्ट होता रहता है और पता नहीं क्या हो चुका है। अभी न्यू वायर डले है यहाँ पर, न्यू केबल डली है, तो वो न्यू केबल पे से हमें को है ना हाँ न्यू केबल में से लाइट लाना है अभी हमको। ये पुरानी जो है ना केबल, वो हटाना है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये है पुरानी केबल आ रही है, ये 3 मकानों में आ रही है। देखो ये 3 मकान है, ये 4th मकान में भी शायद आ रहे हो, ले ली होगी उन्होंने। तो ये 3 मकानों में पुरानी केबल आ रही है और एक न्यू केबल जो है उधर जा रही है, देखो उधर। तो वहाँ से हमको क्या करना है, वहाँ से या फिर ये वाले खंभे पे से, वो विद्युत मंडल कर्मचारी पता नहीं कहाँ से देंगे, यहाँ से देंगे लाइट या यहाँ से देंगे कनेक्ट। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमको यहाँ लाना है, हमारे घर पर लाना है। और ये वायर फॉल्ट हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है, कई बार रात में मतलब लाइट बंद हो जाती है और कभी 1 घंटे में आती है, कभी 2 घंटे में आती है ना असद। और असद आज स्कूल नहीं जा रहा है, पता नहीं क्यों नहीं जा रहा, आज लेट हो गया। और इसको है ना दादा दादी के वहाँ जाने की खुशी है, इसलिए नहीं जा रहा है ना। हाँ, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं जब दादा दादी के वहाँ जाते हैं। सनाया साहिबा भी वहीं पर है और साहिबा को रात को बुखार आ गया था ना, और उल्टी भी कर ली थी, तो उसको भी दिखाने के लिए जाना है, लेकिन प्रॉब्लम खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, एक न एक काम आते रहता है। तो अभी क्या करते हैं कि थोड़ी देर बाद विद्युत मंडल कर्मचारी से मुलाकात करके लाइट ठीक करने की कोशिश करेंगे। अभी चाय वगैरह देखते हैं, चाय तो वैसे मैंने बनाई नहीं है, बना दे, आज असद चाय बनाएगा। तो आज मेरे लिए चाय असद बनाएगा और देखते हैं कि असद कैसी चाय बनाता है। देखते हैं, असद ने तैयारी कर ली होगी और असद डाल रहा है अभी पानी, पानी भी नाप तोल के डाल रहा है और ये डाल रहा है दूध। आप कर देगा ऑन ये, शक्कर और चाय पत्ती निकाल रहा है, निकाल ले निकाल ले। नमक भी डालेगा गाइस, नमक भी डालेगा, ये तो बर्बाद है ऐसा लग रहा है मेरे को। ये डाल रहा है पत्ती, थोड़ी सी वो डाल दे ये, और इसमें शक्कर खत्म हो चुकी है गाइस, शक्कर खत्म हो चुकी है। अब क्या करेंगे, अब शक्कर शायद इन डब्बों में होगी, देखते हैं। वापस रख दो, तो शक्कर मिल चुकी है। ये बस कम ही डालना, इसको भी रख दे, ये इसको भी रख दे, लंबे रख दे, धरेंद्र रंद। फाइनली गाइस, चाय रेडी हो चुकी है, तैयार हो चुकी है, अभी पी लेते हैं। तू नहीं पिया? तो गाइस ये है असद के हाथ की चाय। असद ने सुपर चाय बनाई दोस्तों। आप कभी भी
हमारे गांव में आएंगे तो असद की आज की चाय आपको जरूर पिलाएंगे, है ना असद? दोस्तों अभी हम जा रहे हैं पापा के वहां पर, खाना भी खाएंगे और फैमिली को भी ले आएंगे। तो हम आ चुके हैं पुराने घर पे हमारे, माय ओल्ड हाउस। ये मेरा कमरा है, आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। और ये रही साहिबा। साहिबा तेरा बुखार ठीक है अभी? ए साइकिल, ओए मेरे भाई की लड़की कैसी हाँ सही देखो हंसी हंसी कैसे हंसती हंसती तो गाइस ये मेरा ओल्ड रूम है और यहाँ पर पुराना सामान रख दिया गया है और बच्चों की साइकिलें भी रखी है। कौन सी साइकिल चलाएगी साहिबा? घोड़ा चलाएगी। चल लेते निकाल ले, धीरे से निकाल ले। गाइस ये जो है ये मेरा रूम था, मैं यहाँ पर रहता था आज से 2 साल पहले, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है लेकिन छोटा बहुत पड़ता था इसलिए हमको मजबूरी में वहां जाना पड़ा। चल बेटा बाहर निकलो, बाहर निकलो। ये अभी वापस लगा देते हैं। ये मेरे भाई का रूम था। साहिबा जो की घोड़ा चलाई, सनाया कहाँ है साहिबा? सनाया भी गाइस यहीं पर है। तो गाइस ये रही सनाया, अपना पुराना घर। हाँ बेटा दिखा दिया, मैंने दिखा दिया रहने दे। गाइस यहाँ पीछे क्या था? खेत है, आपको पीछे दिखाता हूँ। ये देखो खेत है और कितना अटला रहता है यहाँ पर, देख सकते हो आप। यहाँ तक क्या है बोते नहीं है, इसके उधर से बोते हैं, मतलब वहाँ देखो बोया है, शायद मक्की लगी उधर भी। और एक मकान बन गया है, न्यू मकान खेत वाले ने ही बना लिया है। तो यहाँ आते हैं तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है दोस्तों। अभी खाना खा लेते हैं और खाना आज बहुत दिनों के बाद मेरी मम्मी के हाथ का खाना खाऊंगा मैं, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अभी खाना बन गया होगा तो खाना खा लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर हाथ धो लेते हैं। ये चुका है मेरा खाना और ये है खीर, आलू की सब्जी, ये है रोटियाँ। खाना खा चुके हैं और माँ के हाथ के खाने की तो बात ही निराली है। और ऐसा खाना कोई बना भी नहीं सकता है जो माँ बनाती है, आपकी भी हमारी भी सबकी माँ। और माँ के ही कदमों के नीचे जन्नत है। और दोस्तों माँ से और बाप से बढ़कर इस दुनिया में अपना कोई भी नहीं है। जो साथ माँ बाप देते हैं वो कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। तो ठीक है दोस्तों, अभी बच्चों को लेते हैं, फैमिली को लेते हैं और घर के लिए निकलते हैं। हाँ तुमने आना नहीं, चलो सनाया। ए सनाया इधर आ, चलो साइकिल अंदर रखो। चल साहिबा चलो आ जाओ, चलो चलो साइकिल अंदर रखो। आओ दिलाएंगे दिलाएंगे, चलो अंदर रखो अंदर रखो। चलो ए तेरे को भी दिला रहा हूँ, आओ तेरे को इसमें भी दिला देंगे, है ना? चल आ जाओ, चलो आ जाओ। तो गाइस अभी है ना असद की पैर दुख रहे हैं, देखो क्या हो गया, देखो पैर दुख रहे हैं। क्या करेगा पता है आपको? बाम लगाएगा, है नहीं? फिर क्या लगाएगा? घासलेट। गाइस ये क्या करता है, या तो बाम लगाता है या घासलेट लगाता है। तो आज है ना मैं दिन भर से विद्युत मंडल कर्मचारियों के पीछे दौड़ रहा हूँ, लेकिन वो उनका काम जरा दूर चल रहा है, जंगल की तरफ चल रहा है, शायद वहां पर लाइट फॉल्ट है इसलिए वो वहां पर गए हैं। तो यहाँ आज हमारे यहाँ नहीं आए वो, हालांकि लाइट तो है लेकिन उसको ठीक से करवाना, वायरिंग छोड़ पकड़ कर रही है, बंद चालू हो रही है लाइट। तो एक बात और आपको कहना चाहता हूँ मैं, कि जब ये मकान बना था ना आज से 2 साल 1.5 साल पहले, तो मेरी मम्मी ने चुपके से मेरे को 20,000 रुपये दिए थे इस मकान में लगाने के लिए। तो उनको 20,000 रुपये देना है, लेकिन मैं क्या करा कि लोगों का दूसरों का कर्जा देने में अभी तक उनके 20,000 रुपये नहीं दे पाया हूँ। तो मैं मेहनत करूँगा बहुत
और मेरी जो मम्मी है उनके 20,000 रुपये देने की पूरी कोशिश करूंगा। और वो पैसे मम्मी ने ना चुपचाप से इकट्ठे करे थे और वो चुपचाप से मेरे को दे देते थे कि ये मकान में लगा लेना, लेकिन मैं अभी तक उनको दे नहीं पाया हूँ। तो माँ बाप ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों की हेल्प करते रहते हैं और ज़िंदगी भर तक, जब तक वो जीते हैं जब तक हेल्प करते ही रहते हैं। और माँ बाप का एहसान इंसान ज़िंदगी भर तक नहीं पूरा कर सकता। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो का एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक कि अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय।